अतीक अहमद की हत्या के बाद कंगना रनौत ने देखिए क्या किया। सीएम योगी की तस्वीर शेयर कर लिख दी है बात। अतीक का समर्थन करने वालों को कंगना ने बोली है बात, सब हैरान। कंगना रनौत अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल सिर्फ तस्वीरें शेयर करने के लिए नहीं बल्कि लोगों पर निशाना साधने के लिए भी करती हैं। हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसा शेयर किया जिसे लोग यूपी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या से जोड़कर देख रहे हैं। आपको बता दें कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान ही हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं कंगना रनौत ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भले ही उन्होंने सीधे तौर पर कुछ ना कहा हो लेकिन उनकी स्टोरी को देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अतीक अहमद मामले पर ही तंज कस रही हैं। दरअसल कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी में सीएम योगी की तस्वीर शेयर करके लिखा, शास्त्र कहते हैं कि धर्म की स्थापना सिर्फ धर्म के पालन से नहीं होती बल्कि अधर्म के नाश से भी होती है। तस्वीर में योगी जी फोन पर किसी से बात करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कंगना ने लिखा, आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। अयोध्या में तपस्वी राजाओं की परंपरा है जिन्होंने भारत का उद्धार किया है, जय श्री राम। तो वहीं दूसरी स्टोरी में कंगना ने अपनी और सीएम योगी के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर की। उन्होंने कैप्शन में लिखा, योगी जी ने पहली भेंट में कहा कि आप मेरी बहन हैं, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताएं। ऐसे महान और सज्जन व्यक्ति योगी, आपका यश और कीर्ति पूरे विश्व में फैले। शिलान्यास किया था तो उसका वो है ये सिक्का। मैंने कहा आपको हम अयोध्या आए, अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करें, इसके लिए मैंने कहा जैसे रामचंद्र की तरह तपस्वी राजा अरे यहाँ पे और आपको बहुत शुभकामनाएं। यहाँ इनके से समझ में कोई बात हो तो बेझिझक बताइए। इसके अलावा उन्होंने तीसरी स्टोरी के तौर पर योगी जी का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे गर्मी निकालना आता है, चाहे मई हो या जून, मैं ठंडा करना अच्छे से जानता हूँ। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा और फिर ये गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूँ। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कंगना रनौत ने अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या पर ये रिएक्शन दिया है। आपको बता दें कि बीती रात यूपी के इस बाहुबली और उसके भाई की तीन युवकों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग इस हत्याकांड को सही ठहरा रहे हैं तो कई लोग इसे कानून व्यवस्था की धज्जियां बता रहे हैं। फिलहाल कंगना के इस रिएक्शन पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।